देख रहे हो यार, इधर बच्चा लोग एकदम रिएक्शन दे रहे बाबा। यार ये क्या है, देख रहे हो यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग एक डायरेक्ट हाईवे से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम लोग निकल रहे टूवर्ड्स हजारीबाग। क्या करने जा रहे हो वो तो बाद में ही पता चलेगा। पिछले वाले ब्लॉग में भी बताए ही होंगे क्या काम से जा रहे हैं, अगर नहीं बताए होंगे तो इस ब्लॉग में पता जाएगा। घर जगह से तो 105 दिखा रहा था जहाँ पे जाना था, और ये मेरा पहला लॉन्ग राइड है। और हम लोग घाटी स्टार्ट कर दिए, पूरा कर्व स्टार्ट हो गया। सुबह में तो जल्दी ही निकल गए थे और ठंडा भी लग रहा था, बोल के जैकेट टुकेट भी पहन लिए हैं। और अभी तो सूरज मामा निकल रहे तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, आवाज में भी डिफरेंस आ रहा होगा क्योंकि ठंडा भी लग रहा था ना बोल के, वैसे आवाज ही हो जाता है। दिखने में एकदम सुंदर है लेकिन वेरी डेंजरस है। देख रहे एक्सीडेंट, ट्रक वाला कहाँ घुस गया, क्या ही सीन है ब्रो, मजा ही आ गया। रास्ता तो खतरनाक लगता है, कार समेत और मजा दिखता है यार, क्या ही लग रहा है इधर का। एंड घाटी भी अब खत्म हो गया, अब सीधे सीधे रास्ता मिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा। और बस लोग से तो थोड़ा सा बच ही के चलना पड़ेगा क्योंकि ये लोग साला जादी का ओवरटेक कर देता है यार, एकदम हड़बड़ा ले जाता है लोग। यहीं पे गिरे थे माँ लोग, मतलब इधर से हम लोग एक बार रजरप्पा जा रहे थे उस टाइम गिर गए थे माँ लोग। यहाँ पे ओवरटेक इतना खतरनाक स्पीड में कर रहा था और बीच में आ गया बालू, तो बाबा चला दिया बालू में और डिसबैलेंस होके गिर गए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। इधर बच्चा लोग एकदम रिएक्शन दे रहे, बाबा मजा आ गया। वाह, बच्चा लोगों का रिएक्शन क्या ही मजा आता है, इसको बोलते रिएक्शन, ना कि ये थ्रोटल मारो रिएक्शन। घोड़ा क्या ही लग रहा है, गंदा हो गया थोड़ा सा, नहला उला देगा तो एकदम मस्त, एकदम वाइट रहता है ना तो क्या ही लगता है। अब स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड ओवर स्पीड नहीं करना है क्योंकि खाली रोड मिलता तो चुल मचा रहता है कि स्पीड करोगे, बट वैसे चुल नहीं मचाना है। कुआसा कुआसा हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है उधर तक, एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, कुआसे ही कर दिया ना इधर। अभी जब तक अभी सूरज ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा रोशनी नहीं फैलाएगा, तब तक अभी दिखने है मुश्किल है। और ये रहा नदी, क्या ही लग रहा है ना ये वाला नदी, काश नीचे जा पाते बट क्या नहीं जाना यार, क्योंकि वेरी डेंजरस है नीचे। बट गर्मी का सीजन एकदम कम हो जाता पानी का लेवल, तो उस टाइम जा सकते थे, लेकिन अभी पानी का लेवल बड़ा हुआ है तो नहीं यार, कभी नहीं जाना नदी में। और क्या ही पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाता है ना, फूल का जो लगा हुआ रहता है सारे बीच बीच में, पूरा तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। और ऑलरेडी हम लोग का झारखंड पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है। और 10 किलोमीटर के बाद हम लोग को रामगढ़ मिल जाएगा, और कुज्जू है 1 किलोमीटर, मतलब ये कुज्जू है, रामगढ़ क्रॉस करके ही मिलेगा हजारीबाग। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा कि नहीं, इस ब्लॉग में तो ज्यादातर वाइजी वाला रहेगा तो शायद से उतना पसंद नहीं आ सकता। एंड देख सकते हो यार, हम लोग अभी ऐसे लोकेशन में देख रहे हो, नीचे रास्ता है और एक रास्ता ऊपर से जाता है, और नीचे आते टाइम मजा आएगा, लेकिन नीचे हम लोग घाटी के नीचे नीचे जाएंगे। अभी तो हम लोग घाटी के मतलब पहाड़ के ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, और रास्ता भी खतरनाक बना है ना ऊपर भी। देखो यार डर लगता है थोड़ा बहुत, पूरा डू नॉट मिक्स ड्राइव, ओवरटेक उतना नहीं करना है बाबा। इधर देख रहे हो, आओ भाई क्या ही यार, आप लोग तो इंजॉय करो यार, बाकी तो हम तो राइडिंग में फोकस करेंगे। यार ये क्या है, देख रहे हो यार, एक साइड हो गया है पूरा, लग रहा है कि पलट पलट जाएगा गाड़ी, गिर उड़ जाएगा तो किसी के ऊपर, अचानक पलट गया तो भाई वही समय गिर जाएगा गाड़ी, तो पलट ही जाएगा वैसा लग रहा हमको तो। गाइस अभी माउंट लगा दिए हैं, आगे में देखते हैं यार कैसे रिकॉर्डिंग होता है, बाकी डर भी लग रहा है कि गोप्रो ना गिर जाए यार। चलो कोई ना, आराम ही आराम से जाएंगे, थोड़ा बहुत रिक्स लेना पड़ता है ब्रो।
तो गाइस फाइनली हजारीबाग पहुंच गए, बट थोड़ा सा आगे निकल गए थे हम, ज़्यादा नहीं, बस पाँच मीटर जैसे। रास्ता गलत आ गया, थोड़ा सा रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा हमको। अरे आई लव हजारीबाग। तो फाइनली हजारीबाग पहुंच गए और इधर से लेते हम लोग अभी राइट टर्न। तो अभी हम लोग इधर से जाते सीधे सीधे, पता नहीं अब तो गूगल मैप के भरोसा है कहाँ पे स्कूल है। हम भाई के स्कूल के काम से ही आए हैं, क्योंकि उससे सिग्नेचर उग्नेचर चाहिए प्रिंसिपल का, और क्या क्या नेशनल पब्लिक स्कूल है ये का जगह होगा वहाँ पे, लग तो गली रहा है, इधर ही है ना स्कूल उधर। तो फाइनली स्कूल पहुँच गए रे बाबा, गाड़ी को वहीं पे रख देंगे। तो गाइस काम उम हो चुका है, अपनी निकलते हैं रांची की, और पूरा गाड़ी डस्ट डस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ था धूल, तो इधर पूरा गाड़ी गंदा कर दिया। पोछ रहे तो भी नहीं पोछा रहे, ऐसा गंदा हो गया समझो भैया। और इधर है हजारीबाग का बस स्टैंड, इतना भयानक पूरा धूल धूल उड़ाते उड़ाते जा रहा है, बड़ा हाईवा। तो फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं आई लव हजारीबाग जगह, बट आप लोगों को दिखाएंगे सोच रहे हैं आई लव हजारीबाग वाला, बट दिखा नहीं पा रहे, फूटी किस्मत जो दिखा नहीं पाए। गाड़ी इतना बड़ा बड़ा आ रहा था ना, ये गाड़ी आ रहा था, तो दिखा नहीं कैसे सकेंगे। रांची 91 किलोमीटर है यहाँ पर से, कहीं पे रुकेंगे लंच करने के लिए, यार सुबह से खाए हैं और निकले हुए हैं तो खा भी लेंगे, और साथ में कहीं पे फ्यूल अप भी करा लेंगे। तो अब हम लोग हजारीबाग से एग्जिट कर लिया, और देख रहे हो फॉलो द लेन डिसिप्लिन लिखा हुआ आ रहा है। ओह यार स्पीड ब्रेकर पता भी नहीं चल रहा है, फ्यूल पंप भी मिल गया तो फ्यूल अप कर लिया जाए थोड़ा। 210 फ्यूल अप हो ही गया, चलो अब खाने के इंतजाम करते कहीं। अब ये जो घाटी से ऊपर ऊपर गया था, अभी हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, देख रहे हो यार। तो गाइस यहाँ पे रुके थे थोड़ा सा सिनेमैटिक उनेमैटिक लेने के लिए, बाकी सिनेमैटिक उनेमैटिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ऊपर से भी गिरता है मतलब भयानक यार, ऊपर से भी चट्टान उटान गिरता है रे बाप, पूरा जाली उली लगा के रख ले। तो गाइस हम लोग हाईवे से थोड़ा सा इधर घुस गए ताकि रील्स उल्स बना सके, और थोड़ा सा सिनेमैटिक उनेमैटिक ताकि आप लोगों को भी मजा आएगा ना देखने में। तो देख रहे यार रास्ता खतरनाक है, और इधर देख रहे पूरा घाटी घाटी है, देख रहे हो ना उधर पूरा। चलो हाईवे तो पकड़ ही, ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे हाईवे से, क्योंकि यार थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना बोल के। बाकी अभी हम लोग घाटों में है, ये शायद घाटों घाटी है, अजीब नाम है ना घाटों घाटी। चलो आज कुछ खा लिया जाए यार, भूखे मरे पड़े हैं, भूखे मरे, उतर जा। तो गाइस खा पी लिए, अब निकलते हैं फुल पार यार, पूरा पेट फुल हो गया 300 रुपया में पेट फुल। ढाबा में एकदम मस्त यार खाना मिलता है, पैसा वसूल वाला। जब भी आप लोग अब राइड करोगे तो यार ढाबा का खाना ट्राई करना, मजा आएगा, पेट तो पेट भर जाता है और पैसा भी कम लगता है। एंड अब यहाँ पर से हम लोग हाईवे को बाय बाय करते हैं और पकड़ते हैं सिंगल लेन। स्टैंड लगा हुआ है स्टैंड। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं खेलगांव वाला रास्ता, सुनसान मस्त एकदम खुला खुला रास्ता में यार, अंकल एकदम फुल क्रेज ऑन, अरे बाबा फुल क्रेजी अंकल, तेरे बाबा पूरा थ्रॉटल मारते जा रहे हैं। एंड फाइनली स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अभी मतलब इधर ही से पहुंचा देते हैं भाई को, तो इसको स्टेशन छोड़ने आए हैं। ट्रेन तो है 5 बजे कुछ है वह ट्रेन। बाय गाइस, बाय गाइस, जा रहे हैं चिमकांडी घर जा रहे हैं, बाय बाय, बाय गाइस,
तो गाइस भाई को भी छोड़ दिया, अब निकलते हैं घर की और एंड आज के ब्लॉग को इसी सिनेमैटिक से एंड करते हैं। सिनेमैटिक देखो यार, बाकी टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज मी क्रेजी टू राइड साइनिंग ऑफ।